लीडर्स मीडिया से आए हुए हमारे दोस्त और साथियों, मैं 71st पीएम मोदी मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप की अबाउट 49th और 66th ये टीम्स जो है ये 28 चांद से गुजरता हुआ71st BN मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप जो ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की पैटर्नेज में होती है, जिसके चेयरपर्सन श्री तपन कुमार डेका साहब हमारे DIB साहब हैं। आज की इवेंट के बारे में मैं चाहूँगा कि ये अपनी तरफ से दो लफ्ज आप लोगों के साथ शेयर करें कि इनको कैसा महसूस हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं लूँगा। श्री तपन कुमार डेका साहब, श्री तपन कुमार डेका साहब जी, अच्छा जी सिंह साहब, से समथिंग अबाउट दिस इवेंट्स, कितने इंपॉर्टेंस होते हैं जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्पिरिट, टीम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री दे हैव कम, और आज का खूबसूरत ये माहौल में ये लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कश्मीर में नया बदलाव आया है, शांति का वातावरण है, और इन लोग को एक अवसर मिलेगा कि कश्मीर पुलिस के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करे, इसका हालात के बारे में जाने, और ये मैसेज ऑफ पीस एंड लव को स्प्रेड करे ऑल ओवर द कंट्री। तो स्पोर्ट्स तो एक टूल होता है, एक जरिया होता है ये कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल ये टीम इवेंट है फुटबॉल का, जिसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं, और मेरे लिए बहुत एक अच्छा अवसर मिला कि आके मैं यहाँ आ पाया और ये देख पाया, और इतना एक्सीलेंट अरेंजमेंट JNK पुलिस ने किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ DGP साहब का और उनका टीम का, कि एक फ्लॉलेस अरेंजमेंट इतने लोगों के लिए, 1600 लोग आसान नहीं होता है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस ग्राउंड का अरेंजमेंट करना, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आई विश दैट दिस चैम्पियनशिप टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट इवेंट सो फार। मेरा इशारा बड़ा साफ है, जो पाकिस्तान नवाज फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमेशा तशद्दुद का खेल खेला है, जिनको अमन जहां पर पसंद नहीं होता है, मेरा इशारा उनकी तरफ था। मैं अपने बच्चों को, नौजवान साथियों को आगाह कर रहा था कि अब इन साजिशों को नाकाम करने का वक्त आ गया है, अब जहां पर अमन और शांति के माहौल को और पुख्ता करने का वक्त आ गया है, मेरा उसी तरफ इशारा। भी बहुत कमी आई है, कभी कभी कहीं ना कहीं को ऐसा वाक़ा होता है, उसको बहुत गहराई से जा कर के देखा जाता है और काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के बच्चे कुछ जो निशान हैं उनको भी साफ़ किया जाए, उसके लिए कोशिश बिल्कुल दिन रात रवा है, और वो इंफिल्ट्रेशन के चांसेस इन दिनों बढ़ते हैं जब बर्फ़ पिघल जाती है। अभी पहले से इंफिल्ट्रेशन बहुत हद तक कंट्रोल में है, और कोशिश होंगी ऐसी, मगर उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। नारकोटिक्स और जो जहां पर दहशतगर्दी दोनों को मिला करके पाकिस्तान की एजेंसी जहां पर चला रही हैं, अभी आप देखें जहां पर कितनी बड़ी नारकोटिक और वेपन की जो खेप पकड़ी गई, पुंछ में कितनी बड़ी खेप पहले पकड़ी गई, ये दोनों चीज़ें मिलके आ रही हैं, बल्कि कैश भी साथ में उधर से आ रहा है जिसको मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1.5 करोड़ के करीब कैश जो है एक ही जगह पुंछ में पकड़ा गया, वेपन पकड़े गए, 7 किलो हीरोइन पकड़ी गई, वही पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है जो कैश की फॉर्म में नारकोटिक्स की सेल के बाद इनको मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, बस्ट किया जाए। SIA और इसके साथ साथ NIA सभी मिलकर काम कर रहे हैं, हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी साथ में बुलाया है,
इस तरह के जो बहुत बड़े कार्टल जो इंटर स्टेट जिनकी रेमिफिकेशन हैं, इंटर स्टेट जिनके ऑपरेशन हैं, उनको हर सतह पर हर लेवल के ऊपर जो है उनको तबाह और बर्बाद किया जाए, उसके लिए जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। हर लेवल पे एफर्ट की जा रही है। इसको अटैच करने का सिलसिला छानबीन के बाद ही होता है। ये कोई खेल नहीं है जो खेला जा रहा है। जहाँ पर ये पाया जाता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रॉपर्टी के मालिक की मर्जी से हुआ है, वहीं पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसके बगैर नहीं की जाती है। हम बार बार लोगों को आगाह करते हैं कि अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल न करने दें। अपनी गाड़ी में अगर कोई उठा के लेके जाता है और उस गाड़ी को जब्त करते हैं तो क्या वो गलत है? अपने घर में बैठा के अगर कोई पना देता है और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उस घर को अगर अटैच किया जाता है तो क्या वो गलत है? जहाँ से मिलिटेंसी की कार्रवाई लोगों की शमूलियत के साथ हो गई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।